गाइस यूट्यूब की टक्कर का प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर देखें, मैंने इस प्लेटफॉर्म से $5.63 कमाए हैं बगैर किसी मोनेटाइजेशन के, बगैर किसी सब्सक्राइबर के और वॉच टाइम के। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं $5.63 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं डॉलर रेट के साथ, तो देखिये हमारी तकरीबन 1700 रुपए बन चुके हैं जो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से कमाए हैं। आप कैसे कमाएंगे मैं आपको ये भी गाइड करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट वेट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी टोटल रंबल की जो अर्निंग हो चुकी है वो $5.63 हो चुकी है। ना हमने यूट्यूब से अर्निंग की है, ना हमने थर्ड पार्टी से अर्निंग की है, जस्ट रंबल पर वेट करके अर्निंग की है, इसी प्लेटफॉर्म से व्यूज लिए हैं और अर्निंग की है। अगर आपको मैं यहाँ पर अपनी वीडियो भी दिखा दूं जो मैंने यहाँ पर अपलोड की है, जस्ट मैं क्या करता हूँ, ऊपर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद सिंपल माई कॉन्टेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी डाली थी जो कि मोनिटाइज हो चुकी है, जिस पर खाली 9 व्यूज है। और ये देखिए वीडियो मोनिटाइज हो चुकी है बगैर कोई यहाँ पर सब्सक्राइबर के और वॉच टाइम के। गाइस YouTube पर आजकल एक न्यू ट्रेंड बना हुआ है रंबल से रिलेटेड और काफी ज्यादा लोग जो है वो इस पर वीडियो भी बना रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं कि रंबल ऐप पर वेट करें, आपको पैसे मिलेंगे। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट वेट करना है, YouTube से वीडियो उठानी है और यहाँ पर डाल देनी है, ना ही आपको वॉच टाइम की जरूरत है, ना ही आपको सब्सक्राइबर की जरूरत है। पहली वीडियो से आप मोनिटाइज करवा के पैसे कमा सकते हैं। तो मैं चुप बैठा था, मैंने सोचा यार वीडियो नहीं बनाते, लेकिन यार आपकी काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, उस्मान भाई हमें ये बता दें कि यहाँ पर अर्निंग कैसे करनी है, यहाँ पर आपने अर्निंग कैसे की है, आपने वीडियोस कैसे, कौन सी डालनी है, कैसे डालनी है, उसके बाद आपका नंबर कैसे वेरीफाई हुआ है हमें ये बता दें, पैसे पाकिस्तान में कैसे मिलेंगे हमें ये भी बता दें। अगर आप इसमें अपने नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा आज ये बताऊंगा, आपने कैसे वेट करना है, कौन कौन सी वीडियो डालनी है जिसे मुझे अर्निंग हुई है और आप भी उस टाइप से अर्निंग कर सकते हो, उसके बाद आपने कैसे नंबर वेरीफाई करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, A to Z सिखाऊंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाया करेगी, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब जो भी मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगा, जो मेथड बताऊंगा नंबर को वेरीफाई करने के, 2 मेथड बताऊंगा, आपकी मर्जी है कैसे आपने वेरीफाई करना है, कैसे आपने इसमें वीडियो अपलोड करनी है और इसका लिंक कहाँ मिलेगा। आपने करना क्या है, ये है टाइटल, इस टाइटल पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, नंबर 2 पर आप लोगों ने यहाँ पर लिंक्स पे क्लिक करके इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, रंबल इसका नाम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके इजिली आ सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, साइनअप पे क्लिक करना है, साइनअप पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने अपना नाम लिखना है, यूजर नेम लिखना है, यूजर नेम आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने नाम लिखना है, आगे कोई भी डिजिट लिख लेनी है बगैर स्पेस छोड़े, पासवर्ड लिखना है, उसके बाद दोबारा वही पासवर्ड यहां पर लिख लेना है, उसके बाद ईमेल लिखना है, फिर वही ईमेल यहां पर लिखना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, अगर बाहर मुल्क से हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने बर्थडे सिलेक्ट करनी है कि आप कब पैदा हुए थे, कौन से डेट को, कौन से मंथ को, कौन से ईयर को, वो आपने सिलेक्ट करना है। और यहां पर रेफरल की जरूरत नहीं है, आप मेरा नाम लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एड्रेस आपने वो लिखना है, यहां पर मैं आपको तरीका बता देता हूं एड्रेस कौन सा लिखना है, एड्रेस आपने रैंडम सा लिख लेना है, जैसे कि स्ट्रीट नंबर 1 और मॉडल टाउन, इस तरीके से ना आपने रैंडम सा लिख लेना है, ठीक है। और यहां पर आपने हाउस नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लिख लेना है, जो आप सिटी में रहते हैं, जो आप शहर में रहते हैं वो लिख लेना है, स्टेट आर प्रोवेंस यानी आपका सूबा कौन सा है, सिंध है, बलोचिस्तान है, वो लिख लेना है। और पोस्टल कोड, यहां पर काफी लोग फंस जाते हैं पोस्टल कोड में, तो देखिए अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं या किसी ऐसी सिटी में हैं या कहीं से भी आप रहते हैं, आपको उसका पोस्टल कोड नहीं मालूम, तो आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर पोस्टल कोड, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सामने कोड आ जाएगा, कोड सामने आ जाएंगे, उसमें से कोई भी एक कॉपी करना और यहां पर पेस्ट कर देना, आपका यहां पर जो है वो नंबर यहां पर लग जाएगा और आपका पोस्टल कोड सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर लिखना है और यहां पर टिक करके यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइस जैसे आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अब यहां पर आपने वेट कैसे करना है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपने अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, माई कॉन्टेंट होगा, अर्निंग होगा, अकाउंट ओवरव्यू होगा, लाइव स्ट्रीम का भी होगा और आप मजीद ऑप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये है अमेरिका का, बाहर का, तो अमेरिका या बाहर के जो भी कंटेंट होते हैं वहां पर जो वॉच किया जाता है वो कंटेंट वॉच किया जाता है इंग्लिश का, ठीक है। अब यहां पर आपको जितनी भी मोस्टली जो व्यूअर वाली वीडियो होंगी, मोस्टली पॉपुलर वीडियोस आएंगी आपको, तो वो सारी इंग्लिश में होंगी, वो सारी इंग्लिश कंटेंट वाली होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखें जानवरों वाली भी वीडियो
वीडियो है लेकिन इस पर इतने ज्यादा व्यू नहीं है। इसमें ऐसे टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ जिस पर आपको ज्यादा व्यू मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने कौन सी वीडियो डालनी है, यहाँ पर अगर आप गूगल से पूछेंगे तो गूगल आपको ये बताता है कि रंबल पर जो भी ज्यादा मोस्टली वायरल कंटेंट है वो ये है कि आप न्यूज़ वाले टॉपिक पर यहाँ पर वेट करें, ठीक है, या आप वेदर वाले टॉपिक को कवर करें, या आप जैसे नासा वाली वीडियोस होती है, नासा जो अर्थ स्पेस पर जो होता है वो वाली, उस टाइप की वीडियोस आप अपलोड करें। और आप यहाँ पर जो भी अंग्रेज पसंद करते हैं जैसे एनिमल्स की वीडियोस, इस टाइप की ऐसी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो कैसे अपलोड करनी है, आपने जाना है यूट्यूब पर, कोई भी वीडियो उठा लेनी है कॉपीराइट फ्री वाली और डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड कैसे होगी, जस्ट आपने करना क्या है, प्लस पे क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पे आपने क्लिक करना है। जैसे अपलोड वीडियो पे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने जो भी वीडियो उठाई होगी यूट्यूब से वहां पर उस वीडियो का टाइटल देख लेना है, सेम टू सेम वही लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन भी वहां से देख के लिख लेनी है, जो वीडियो उठाई होगी डिस्क्रिप्शन यूट्यूब वाली वीडियो की क्या लिखी होगी वहां से देख के लिख लीजिएगा, और थंबनेल भी वहां से डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर जैसी वीडियो आपकी यहाँ पर आपने डाउनलोड कर ली होगी तो आपने इस पर क्लिक करके इसको अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट की है, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आपने कोई भी शॉर्ट्स उठा के यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर देनी, टिकटॉक वाली वीडियो उठा के नहीं डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देनी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्राइक भी आ सकती है, कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। जी हाँ, आप इनकी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि इनका भी कॉपीराइट वाला सीन है। अगर आप सामने वाला जो कॉपीराइट होता है, जो खुलम खुला आप कॉपीराइट वाला वर्क करेंगे तो उनको सामने ही मालूम हो जाएगा, वो आपकी वीडियो मोनिटाइज नहीं होगी, ठीक है। आपने कोई भी वीडियो उठानी है और उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है, जैसे कि उसमें लोगो नजर ना आ रहा हो, अपना नाम लिख दें चैनल का, या कुछ थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड कर दें। आपने शॉर्ट्स नहीं डालनी, टिकटॉक वाली वीडियो नहीं डालनी, क्योंकि टिकटॉक का लोगो नजर आ रहा होता है। अब मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आपने उसका टाइटल लिख लेना है, टाइटल लिखने के बाद टैग्स भी लिख लेने हैं जो हम यूट्यूब पर लिख रहे होते हैं, और जस्ट आपने अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो मैनेजमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, और चार तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, तो आपने करना क्या है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने मजीद डिटेल डालनी डाल लें, ठीक है। उसके बाद आई हैव नॉट साइन एन एग्रीमेंट विद एन ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहां पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहां पर अपलोड हो जाएगी, और यहां पर आपका लिंक भी आ जाएगा, इसको आपने शेयर करना है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियो मोनिटाइज भी हो जाएगी, कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा, सामने लिखा जाता है। अब आपने वीडियो जो अपलोड की होगी वो कहां नजर आएगी, जैसे आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाके माय कंटेंट पे क्लिक करना है, और यहां पर देखें हमारी वीडियो जो है वो पेंडिंग में चली गई है, और ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद जाके मोनिटाइजेशन अप्रूव कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अब व्यू आएंगे तो तब जाके अर्निंग स्टार्ट होगी, और अर्निंग का क्या सीन है मैं आपको सारा कुछ गाइड करता हूं। अब गाइज यहाँ पर आप लोगों ने अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। जस्ट आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जब तक हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर अर्निंग को नहीं निकलवा सकते, तब तक हमारी अर्निंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी, हम उसको निकलवा नहीं सकते, विड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे किसी भी एक ऑप्शन पर, तो नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा एक्सपेंड, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके सामने मजीद ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है अकाउंट वेरीफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, और मैं यहां पर पेमेंट भी निकलवा सकता हूं, वीडियो भी अपलोड कर सकता हूं, सारा कुछ कर सकता हूं। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आप यहां पर पैसे नहीं कमा सकते, अर्निंग नहीं निकलवा सकते, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर जैसे आप पाकिस्तानी नंबर एंटर करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर यहां पर तो लग जाएगा, लेकिन वो आपको कह देंगे कि पाकिस्तान में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब आपने यहां पर जो है अपने नंबर को वेरीफाई कैसे करना है, दो तरीके बताऊंगा, इसमें से जो भी ठीक लगे कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको दोनों तरीके सही नहीं लगते तो फिर आप यहां से कमाई नहीं निकलवा सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। अब कौन से तरीके हैं चलिए बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर जाना है और यहां पर सर्च करना है रिसीव एसएमएस ऑनलाइन, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं रिसीव एसएमएस ऑनलाइन, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो मेरे सामने काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि आपको फ्री में नंबर प्रोवाइड कर रही हैं, ये देखें, ठीक है। आप इन नंबर को यूज करके, ये बाहर के नंबर हैं, इन नंबर को यूज करके यहां पर एसएमएस रिसीव कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी अकाउंट वेरीफाई करना है बाहर का तो आप कर सकते हैं। जो ज्यादा ट्रस्टेड है वो ये वाली है receiveSMS.com, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने बाहर के
सारे नंबर आ जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें यूनाइटेड स्टेट के आ चुके हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं कनाडा के आ चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम के आ चुके हैं, ये देखें सारी कंट्री के यहाँ पर नंबर आ चुके हैं। हम यहाँ पर किसी भी एक नंबर को ट्राई कर सकते हैं, अगर हमारा ये वाला नहीं चल रहा तो फिर दूसरा लगा सकते हैं, उसके बाद तीसरा, इसी तरीके से एक एक करके आपने ट्राई करना है, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ओपन पर क्लिक करना है, इसको कट करना है। मेरा तो ऑलरेडी वेरीफाइड है तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने नंबर सेलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, देखें इस तरीके से SMS आ रहे होंगे, ये देखें लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये अभी 2 सेकंड पहले यहाँ पर SMS आया है और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखें ठीक है, यानी ये नंबर एक्टिव है। हम इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। ये नंबर लिखा है, इसको देख के हम रंबल में जाएंगे, वहाँ पर ये नंबर पेस्ट करेंगे और SMS पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर SMS आ जाएगा और यहाँ से देख के जो कोड होगा हमने वहाँ पर सबमिट करना है, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आता तो अपडेट मैसेजेस पे क्लिक करना है, इसको अपडेट करते रहना है। अगर 5 से 10 मिनट तक ना आए तो बैक करें, बैक करने के बाद दोबारा एक और नंबर ट्राई करें। इसी तरीके से आपने कनाडा और दूसरे मुमालिक के यहाँ पर जो है SMS वाले नंबर को ट्राई करना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने अपना ये जुगाड़ वाला तरीका लगा के ही अपने नंबर को वेरीफाई किया हुआ है। ये देखिए बाहर का नंबर लगाया था और अभी तक वेरीफाई है मेरा, पाकिस्तान में ये वेरीफाई नहीं होता। अब यहाँ पर हमने कौन सा दूसरा तरीका है जिससे अपनी अर्निंग को निकलवाना भी है और अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना है। देखिए मान लो गाइज आपकी अर्निंग यहाँ पर हो चुकी है, अब हम करते क्या है, इस पर क्लिक करते हैं अपने ऑप्शन पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, टोटल जो हमारी अर्निंग होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। हमारी यूट्यूब की अर्निंग कितनी हुई है, हमने अगर यूट्यूब पर वीडियो शेयर की है और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तो वो चेक कर सकते हो, और रंबल पर जो भी आपके व्यू आएंगे, जो भी आपको यहाँ पर अर्निंग होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी और टोटल अर्निंग यहाँ पर शो होती है, ठीक है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है। अब यहाँ पर आपको मैं जो है वो तरीका बता देता हूँ, जब हम यहाँ पर कैश आउट पर क्लिक करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास $50 होना चाहिए। चले हमारे पास $50 हो भी जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको कौन से मेथड मिलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम अकाउंट ऑप्शन में जाते हैं तो आपको विड्रा करने के लिए कौन से ऑप्शन नजर आते हैं, इस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपने तमाम डिटेल डाल देनी है और यहाँ पर कंट्री भी सिलेक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल में आपको 2 तरह के ऑप्शन नजर आते हैं, एक होगा पेपल, एक होगा चेक, ठीक है। अब दोनों पाकिस्तान में वैलिड नहीं है, चेक मंगवाओगे तो भाई चेक आपको रिसीव होगा ही नहीं, बाहर मुल्क से चेक आपको आएगा तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है चेक वाले पैसे रुल जाते हैं, आपको नहीं मिलते। तो आपने चेक को सिलेक्ट नहीं करना, आपके पास एक ही तरीका है, वो है पेपल, ठीक है। अब इसका क्या जुगाड़ तरीका है और नंबर कैसे वेरीफाई होगा, अब एक ही तरीका है, अगर आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार बाहर ममालिक में रहते हैं, दुबई में, सऊदी अरेबिया में या कोई ऐसी कंट्री में जहां पर जो है वो नंबर वेरीफिकेशन अवेलेबल है, तो आप जो है उनसे बोल सकते हैं, उनका बाहर वाला नंबर यूज करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आपने उनका नंबर लिखना है, उसके बाद आपने गेट कोड पे क्लिक करना है, उनके पास कोड आएगा, उनसे पूछ लेना कि भाई आपके नंबर पर कोड आया वो हमें बताएं, तो कोड लिख के आपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, उनके नंबर पर आपका रंबल का अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने एक और भी उनसे गुजारिश करनी है कि भाई आप ना अपने नंबर पर पेपाल अकाउंट बना लो, तो वो पेपाल अकाउंट भी बना लेंगे। कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा के उनको दिखा देना, वो पेपाल तरीका समझ लेंगे, वो पेपाल अकाउंट बना लेंगे, तो उनका नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा, पेपाल अकाउंट भी बना होगा। जैसे आपकी यहाँ पर अर्निंग हो जाएगी तो आपने पेपाल अकाउंट बनवा लिया होगा, आपके पेपाल अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उनसे अकाउंट आपने ले लेना है और आपने यूज करना है, बस उनका नंबर यूज होगा अकाउंट बनाने में और कुछ नहीं होगा, बस आपने उनसे अकाउंट बनवाना है और आप पेपाल पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। तो आप लोग पेपाल के पैसे अपने पियोनियर में भेज सकते हो और पियोनियर में जैस कैश में निकलवा सकते हो, ये एक तरीका है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि पेपाल के पैसे पाकिस्तान में कैसे निकलवाते हैं उस पर भी वीडियो बना दूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।